भाई लड़ना नहीं जी, कहाँ से आना हुआ? रायपुर से। क्या नाम है? सोनाली अग्रवाल। सोनाली, ये जो ये सब देखा, देखना नहीं कुछ, आंख बंद रखना और इसको बिल्कुल गले लाना लगाना, ये सब जो ये लड़ाई झगड़ा है। मेरी कंट्री है, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा, तू दिन कम फॉरवर्ड। ओ क्या बात है, बोले मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं सब कुछ देखूंगी जो कुछ हो रहा है और उस पर मैं बोलूंगी भी। क्या नाम है आपका? सोनाली अग्रवाल। कहाँ से आई हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़ से। वाह क्या बात है, चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे, प्लीज कमेंट। मैं पर्सनली कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगी, बट या मेरे फादर का बहुत इंटरेस्ट था आपको यहाँ लाइव यहाँ देखने के लिए, तो हम पर्टिकुलरली दिल्ली में आज एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेशली आपका ये। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या चीज जो थी वो अखर रही थी, वो चीज जो देखना चाहते थे, वो कमेंट करना चाहते थे, बोलना चाहते थे? जी एक बात बोलता हूँ मैं प्रतीक जी। हाँ जी। विपक्षियों के पेट में जो दर्द है, मैं कोई पार्टी कोई पॉलिटिक्स कहीं से भी, मैं दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं छोटा सा व्यापारी हैं। ठीक, बोलिए, कमेंट करिए। मैं ये बोलना चाह रहा था, विपक्षियों के पेट में इसलिए दर्द उठता है, जितने भी विपक्षी दल है भारत में, जितने भी एक बेचारा काम के बोझ के मारा मोदी जी। मैं बोलता हूँ कि मेरा मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, मैं दूर दूर तक किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से काम हो रहा है, आज इनके पेट में क्यों दर्द होता है, अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी उनके लिए तो बोलिए। अच्छा एक चीज पूछे। हाँ। एक काम कौन सा ऐसा अच्छा है उनका जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये मोदी जी ही कर पाए और कोई नहीं कर पाए? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर पा रहे। आज एजुकेशन में ऑल ओवर इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट बनवाए मोदी जी ने, ये अपने 60 वर्ष के 55 वर्ष के नहीं बना सके। मेडिकल रोड पूरे भारत में। कहाँ से आया हुआ? मिंटो रोड। मिंटो रोड से। आपकी कैप बहुत अच्छी लग रही है सर। आपकी आप है ना? नहीं नहीं, मैं पहन लूंगा, मैं पहन लूंगा जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक काम जो कोरोना में किया था सबसे बड़ा काम। क्या? कोरोना में जो सिरिंज बनाई थी जो हाँ। वैक्सीन हाँ, वो सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो वैक्सीन बनाई, मोदी जी के समय में बनी ना, मोदी जी के समय में बनी। लेकिन ये सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि आपको वो काम कौन सा ऐसा अच्छा लगता जो मोदी जी को लगा कि ये मोदी जी कर सके? मुझे मालूम है, छोटा सा काम था लेकिन है बड़ा काम, और वो था कि शौचालय दे दिए उन औरतों को जिनके सामने रिपोर्टिंग करने में जब जाता था तो गांव के किनारे बैठी रहती थी, और जब मेरी गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो शर्म से मैं झुक जाता था और वो भी झुक जाती थी। आप ऐसा कौन सा है महिला जो थोड़ी देर बैठे फिर उठे फिर बैठे? यार सोचिए, ये थे और सोचा नहीं हमने। मुझे तो ये लगता है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद उधर फिर बातचीत का सिलसिला।